हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है दोस्तों नई वीडियो के साथ। तो दोस्तों, आज हम बनाएंगे मटन करी रेसिपी। तो मटन करी रेसिपी तो आपने बहुत तरीके से बनाई होगी, परंतु इस तरीके से आपने पहले कभी नहीं बनाई होगी। बहुत ही आसान विधि बताने जा रहा हूँ आपको मटन बनाने की। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें, और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर करें दोस्तों। तो चलिए, ये हमने आधा केजी मटन लिया है दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हो, और इसको बिल्कुल पानी से धोकर साफ़ कर लिया हमने। उसके बाद हमने ये दो छोटे प्याज काट लिए हैं बारीक, जैसा कि आप देख रहे हैं। ये हरा धनिया एक कटोरी के अंदर काट लिया हमने। दो टमाटर, ये 20 से 25 कलियां लहसुन की छिलकर बिल्कुल उनको पीस लिया हमने, ग्राइंड कर लिया है। दो छोटी चम्मच हमने ये मिर्ची पाउडर लिया है, 2 छोटी चम्मच धनिया पाउडर, 1 छोटी चम्मच हल्दी पाउडर लिया हमने, 2 बड़ी चम्मच हमने सरसों का तेल लिया है। अब रिफाइंड तेल भी यूज में ले सकते हो। ये नमक लिया हमने, स्वाद अनुसार डालेंगे। तो चलिए, अब हम गैस को स्टार्ट करते हैं। आज हम सब्जी गैस पर बनाने वाले हैं कुकर के अंदर। बहुत ही लाजवाब सब्जी बनने वाली है, तो वीडियो को लास्ट तक देखें, ध्यान से देखें। तो चलिए, गैस को स्टार्ट करते हैं। ये हमने गैस को स्टार्ट कर लिया है, और इसके ऊपर ये हमने कुकर भी रख दिया है, जैसा कि आप देख रहे हो। और कुकर को थोड़ी देर तक गर्म होने देते हैं। अब हमारा जो कुकर है वो गर्म हो चुका है, और अब हम इसके अंदर तेल डालेंगे। ये सरसों का तेल हमने डाल दिया है, इसको 1 से 2 मिनट तक गर्म होने देंगे बिल्कुल अच्छे से। अब हमारा जो तेल गर्म होता है, तब तक हम सभी मसालों को एक बड़े बर्तन में मिक्स करेंगे। ये हमने एक बड़ा बर्तन लिया है, और इसके अंदर सभी मसालों को मिक्स करेंगे। तो सबसे पहले मिर्ची पाउडर डालेंगे इसके अंदर, धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर, जो लहसुन का पेस्ट है वो लहसुन का पेस्ट डालेंगे। अब ये लहसुन का पेस्ट डालेंगे। अब हम अब नमक डालेंगे स्वाद अनुसार। अब थोड़ा सा पानी डालेंगे इसके अंदर। अब इसे हम चम्मच से मिक्स कर लेंगे सभी मसालों को बिल्कुल अच्छे से। मिक्स कर इनका जो है वो पेस्ट बना लेंगे। ये देखिए, पेस्ट बना लिया हमने। अब हमारा जो तेल है वो गर्म हो चुका है, और अब हम तेल को चेक करेंगे। ये थोड़ा प्याज के छोटे छोटे पीसेस किए हमने, उनको डालकर चेक करेंगे कि जो तेल है वो बिल्कुल अच्छे से गर्म हो गया है या नहीं। ये देखिए, हमारा जो तेल है वो बिल्कुल गर्म हो चुका है। अब हम इसके अंदर प्याज डालेंगे, जो प्याज हमने काट रखे हैं। ये देखिए, प्याज हमने डाल दिए हैं, और प्याज को बिल्कुल अच्छे से पकने देते हैं। इनका कलर थोड़ा ब्राउन हो जाए तब तक इसे पकाना है प्याज को। और अब हमारे जो प्याज हैं वो बिल्कुल ब्राउन हो चुके हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं। अब हम इसके अंदर मसाला डालेंगे, तड़का लगाएंगे। ये देखिए, और मसाले को बिल्कुल अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हमारा मसाला बिल्कुल पक चुका है, और अब हम इसके अंदर टमाटर डालेंगे। ये देखिए, हमने टमाटर को डाल दिया है, और चम्मच से इसको भी मिक्स कर देंगे बिल्कुल अच्छे से। अब हम इसके अंदर जो मटन है वो मटन डालेंगे हमारा, धीरे धीरे करके हाथ से मटन को अच्छी तरह इसके अंदर छोड़ना है, बहुत ही सावधानी पूर्वक, हाथ ना जल जाए। ये देखिए, हमने सब पूरे मटन को इसके अंदर डाल दिया है, और चम्मच से बिल्कुल अच्छे से मिक्स कर देंगे बिल्कुल अच्छे से। मिक्स करना है इसको, ताकि जो हमारा मटन है उसके अंदर मसाला अच्छी तरह मिक्स हो जाए। तो वीडियो में लगातार बने रहें, बस कुछ ही मिनटों में जो हमारा मटन है वो बनकर तैयार होने वाला है। मतलब 10 से 15 मिनट में हमारा जो मटन है वो कुकर के अंदर बिल्कुल अच्छे से तैयार हो सकता है। दोस्तों, अब हमारा मटन है वो बिल्कुल अच्छे से मसाले के अंदर मिक्स हो चुका है, और अब हम इसके अंदर पानी डालेंगे।
थोड़ा ऊपर तैरने लगे पानी, ज़्यादा पानी नहीं डालना है, बिल्कुल आवश्यकता अनुसार डालना है पानी। ये देखिए अब हमने इसके अंदर मटन के अंदर पानी को डाल दिया है और अब इसको खुला ही 4 से 5 मिनट तक पकाएंगे हम। उसके बाद ऊपर से ढक्कन लगाना है इसके। हाँ दोस्तों, जैसे कि आप देख रहे हो जो हमारा मटन है वो धीरे धीरे उबलने लगा है, पकने लगा है, जैसा कि आप देख रहे हैं। और अब हम कुकर को ऊपर से बंद कर देंगे और इसको 8 से 10 सीटी लगाएंगे हम। ये देखिए कुकर को बंद करना है ऊपर से, मात्र 8 से 10 सीटी में बिल्कुल हमारा जो मटन है वो पककर तैयार हो जाएगा। तो वीडियो में लगातार बने रहें। हाँ तो दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हो 8 से 10 मिनट में, मात्र 8 से 10 मिनट में जो हमारा मटन है वो बिल्कुल पककर तैयार है। ये देखिए बहुत ही लाजवाब मटन बना है दोस्तों, और बहुत ही अच्छा कलर आया है जैसा कि आप देख रहे हो। और अब हम इसके अंदर हरा धनिया जो है वो डालेंगे। एक कटोरी के अंदर हमने हरा धनिया ले रखा था, वो डालेंगे अब इसके अंदर। ये देखिए इस तरीके से, और अब हम इसे मिक्स कर देंगे बिल्कुल अच्छे से। बिल्कुल अच्छे से मिक्स करना है, बहुत ही लाजवाब मटन बना है दोस्तों। मात्र 10 से 15 मिनट में आप बहुत ही स्वादिष्ट मटन अपने घर पर बना सकते हो, कोई भी झंझट नहीं है, बहुत ही आसान विधि है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको हमारी रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। तो दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल बटन को ज़रूर दबाएं, जिससे आपको आने वाले नोटिफिकेशन तुरंत मिलते रहें। ओके दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में एक बार फिर से, तब तक के लिए धन्यवाद।